का पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि, भगवान बुद्ध की कर्म भूमि एवं महायोगी गुरु गोरक्षनाथ के आशीर्वाद से अभिसिंचित उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र भारत की सांस्कृतिक विरासत में अपना अलग ही स्थान रखता है। पूर्वांचल का ये क्षेत्र हिमालय पर्वत श्रृंखला की तराई में स्थित है और यहाँ से प्रवाहित होने वाली समस्त नदियों का उद्गम हिमालय ही है। घाघरा नदी के बाई ओर कोई नहर प्रणाली निर्मित न होने के कारण ये क्षेत्र वर्षों से सिंचाई सुविधाओं से वंचित रहा। सिंचाई की इस समस्या को दूर करने के लिए बाई घाघरा नहर परियोजना की परिकल्पना की गई। पहले की सरकारों द्वारा की गई उपेक्षा एवं इच्छा शक्ति के अभाव में ये परियोजना 40 सालों से अधूरी पड़ी थी। वर्ष 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु देश में अभूतपूर्व कार्यों की शुरुआत की गई। वर्ष 2015 में मोर ड्रॉप बर ड्रॉप व हर खेत को पानी के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ हुआ, जो किसानों के लिए वरदान साबित हुई। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों जैसे पूर्वांचल, बुंदेलखंड के कई भागों में सिंचाई के अभाव में खेती नहीं हो पाती थी। किसान बदहाल और भाग्य भरोसे थे। जो लोग आजकल किसानों के लिए गड़ियाली आंसू बहाते हैं, उनसे आपको पूछना चाहिए कि आखिर क्यों उन्हें अपने शासनकाल में देश भर में फैली इस तरह की अधूरी सिंचाई परियोजनाएं उनको नजर क्यों नहीं आई। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन की सरकार ने किसान हितों को सर्वोपरि रखते हुए वर्षों से अधूरी पड़ी विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर तेजी से काम शुरू किया। उसी का परिणाम है कि 40 सालों से अधूरी पड़ी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को मात्र 4 वर्षों में पूर्ण किया। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नदियों को आपस में जोड़कर जल के इष्टतम उपयोग किए जाने के सपने को ये परियोजना साकार करेगी, जिसके अंतर्गत 5 नदियों को आपस में जोड़कर सिंचाई हेतु नहर प्रणालियों का निर्माण किया गया है। 9,800 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस परियोजना के अंतर्गत 6,600 किलोमीटर लंबी 900 नहरों का निर्माण किया गया है, जिससे 6,600 किलोमीटर के बड़े क्षेत्रफल में छोटे एवं सीमांत किसानों को विशेष लाभ मिलेगा और खेती की लागत में कमी और उपज में वृद्धि होगी। इसके अलावा बोनस क्रॉप की खेती संभव होने से किसानों को अतिरिक्त लाभ होगा, साथ ही इस क्षेत्र में बाढ़ के प्रकोप से भी राहत मिलेगी। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत देश में चल रही 99 परियोजनाओं में से सबसे बड़ी परियोजना सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण किया जा रहा है। पूर्वांचल के 9 जनपदों की 15 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। सिंचनेन समृद्धि भवति की मूल भावना के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयासों से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से 30 लाख किसान लाभान्वित होंगे। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना माननीय प्रधानमंत्री जी के किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प को पूरा करने एवं किसानों के जीवन में खुशहाली लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सोच ईमानदार, काम दमदार।